है व्हाट्सएप के जरिए योगेश जी ने भेजा है, सीएससी पर सवाल है इनका। 2700 शेयर्स इन्होंने 75 रुपए पे एंट्री की हुई थी और काफी नुकसान हो रहा है। सीएससी हम देख भी रहे हैं, काफी टूटा भी था ये स्टॉक, लेकिन अब हाल फिलहाल में पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। 67 पर अब आ चुका है ये स्टॉक। क्या सजेस्ट करेंगे रवि, सीएसई कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? आज तो पावर स्टॉक्स फोकस में भी है, ये स्टॉक भी आज हम देख रहे हैं करीब 1% 2% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। बट निवेश करने लायक शेयर दिखाई दे रहा है आपको, और इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे अगर इसका कुछ आइडिया दे पाए? 75 पर इन्होंने एंट्री की थी, थोड़े हायर लेवल्स पर। देखिए पूजा जी, पावर बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय जब आगे जो सीजन आने वाला है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे जो है वो मोमेंटम बन सकते हैं, और पावर कंपनीज या फिर एनर्जीज कंपनीज की जो प्राइसिंग है वो काफी अपवर्ड हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक पे निकलने की राय दूंगा। 72-75 के लेवल तक का वेट कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस 63 का डाल लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस स्टॉक से एक बार निकल के अपनी ट्रेन बदलनी पड़ेगी और आप दिग्गज की तरफ जाएं। इस समय टाटा पावर ज्यादा अच्छा है। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है आप उस पर बिट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप रोलर कोस्टर राइड लेना चाहते हो तो आप अदानी पोर्ट की तरफ भी, अदानी पावर की तरफ भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा हैवी हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है आप टाटा पावर की तरफ मूव कर जाएं। थोड़ा सा पुल बैक आता है तो एक बार निकलने की राय। यानी पुल बैक पे निकलने की सलाह है, आप टाटा पावर की तरफ मूव।